हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक यूनिवर्सिटी की तरफ से नई अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये है कि बीएड और एमएड, जी हाँ दोस्तों, बीएड और एमएड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से शुरू हो गए हैं और इसकी आखिरी तिथि 7 सितंबर तय की गई है। 7 सितंबर तक तय की गई है, 7 सितंबर तक बीएड और एमएड के एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिंक आ गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने फिर से जारी कर दिया कॉलेज एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड एमएड फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट टिल 7th ऑफ सितंबर, यानी कि 7 सितंबर तक फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 सितंबर तक फॉर्म फिर से भरे जाएंगे और कॉलेज ने ये लिंक जारी कर दिया है। और इस लिंक पे भरना कैसे, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है स्पेशली बीएड वाले बच्चों के लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, उसमें वन बाय वन मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखा दिया है आपको। आप उस स्टेप को फॉलो करिए, अब वहाँ से आप बीएड से संबंधित, बीएड फर्स्ट ईयर में जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए वो वहाँ से भर लेंगे। देखिए, आज सुबह तक ये लिंक मौजूद नहीं था आज, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से बीएड और एमएड के फॉर्म्स के लिंक आ गए हैं वेबसाइट पर, जिन बच्चों का बच गया है वो प्लीज़ भर लें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 7 तारीख का इंतजार ना करें, 7 से पहले ही आप अपना फॉर्म जरूर भर लें। ओके दोस्तों, गाइज मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई एमएड का कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ वो कमेंट जरूर करें, मुझे उनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अगर कोई एमएड के बच्चे अगर ये वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ आप नीचे जरूर कमेंट करिए कि आप एमएड्स हैं, मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर कोई परेशानी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बीएड का फॉर्म भर के दिखा दिया है कि यूआईएन के बात करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है और पेमेंट कैसे करना है, हर एक चीज़ पर वीडियो बन गई है। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन पर चेक करके आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, मुझे खुशी होगी दोस्तों अगर आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं एक ही वीडियोस में बनाता हूँ एक ही टॉपिक पर, वो टॉपिक है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो प्लीज अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप जुड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी। मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखें।